जुगल नाम सोने मां जपत नित कुंज बिहारी अवलोकत रह के सखी हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे सभी कृपामयी मेरी दयामयी राधे हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा हो करुणामयी करुणामयी हे कृपामयी कृपामयी हे मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे 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 करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे हो करुणामयी कृपामयी कृपामयी रे मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे 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 करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी है केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी है केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी है जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है गोकुल के द्वार 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 पे है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है स्वर्ग वर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है अगर आप सबके हृदय में भी वृंदावन बसा हुआ है अगर आप सबके हृदय में भी वृंदावन के प्रति प्रेम भाव श्रद्धा बसी हुई है तो चिंता मत करना ये मत सोचना कि वृंदावन से केवल हम ही लोग आए हैं हम ही वृंदावन वासी आए हैं अगर आप सबके हृदय में भी वृंदावन बसा हुआ है तो भाव रूप से आप सभी वृंदावन वासी ही हैं इसलिए श्री जी के चरणों का आश्रय लेते हुए हम सब वृंदावन की उस रसमी लीला का प्रार्थना के स्वरों का सुख लेंगे दोनों भुजा उठाकर एक बार बोलो राधे 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 सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी श्याम है राजा श्यामा है रानी श्याम है राजा श्यामा है रानी श्याम है राजा राधा है रानी श्याम है राजा राधा है रानी आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी
बातों में गज की कहानी। श्री वृंदावन है राजधानी, श्री वृंदावन है राजधानी, श्री वृंदावन है राजधानी, श्री वृंदावन है राजधानी। आओ सुनाए संतों की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी, ओ आओ सुनाए संतन की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी। श्याम है राजा, राधा है रानी, 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 राधा है रानी। हे आओ सुनाए संतन की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी, ओ आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी, आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की। जय हो, राजा श्याम सुंदर महारानी श्री श्यामा प्यारी है, के राजा श्याम सुंदर महारानी श्री राधा रानी, ओ ब्रज के राजा श्याम सुंदर महारानी श्री श्यामा प्यारी है, ब्रज के राजा श्याम सुंदर महारानी श्री राधा रानी। इन दोनों पे जग बलहारी, इन दोनों पे जग बलहारी, आओ सुनाए संतन की कहानी, आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी, आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी, आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी, आओ सुनाए रसिकन की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी, श्याम है राजा, राधा है रानी, श्याम है राजा, राधा है रानी, आओ सुनाए संतन की कहानी, आओ सुनाए भगतन की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी, आओ सुनाए। प्रेम से बोलो श्री राधे, राधे, मन से चलिए वृंदावन धाम। आसन बांके सिंहासन बाकी कटियन की छवि न्यारी, बाकी हिरास विलास भय और बाकी भई ब्रज की सब नारी, बाकी भई ब्रज की सब नारी, बाकी भई ब्रज की सब नारी। बाके है मंदिर कंचन के और बाकी भई श्री राधिका प्यारी, भगतन दर्शन देन के कारण झांकी झरोखा में बांके बिहारी, झांकी झरोखा में बांके बिहारी, झांकी झरोखा में बांके बिहारी। लेकिन अगर वृंदावन जाओ तो श्री तटिया स्थान का दर्शन करके आना। एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है हमारे वृंदावन का, ऐसा आप सबने भी सुना होगा कि वृंदावन की लता लता पर राधा नाम अंकित है, कृष्ण नाम अंकित है। अगर ऐसी दिव्य लताओं का, ऐसी दिव्य वृक्ष वल्लरियों का दर्शन आपको करना हो तो आप सबका स्वागत है। कभी हमारे वृंदावन के तटिया स्थान में आकर दर्शन करो और जीवन को सफल करके देखना। सुना तो आपने बहुत होगा, वृंदावन
वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास बही यमुना पट रानी जो जन लहाए के ध्यान धरे वे कुंठ मिले तिन को रज धानी चारों ही वेद बखान करे अरु संत मुनि जिनके मन मानी यमुना यम दूतन तारत है भव तारक है श्री राधिका रानी भव तारक है श्री राधिका रानी भव तारक है श्री राधिका रानी वृंदावन के वृक्ष को वृंदावन के वृक्ष को ये वृंदावन धाम के वृक्ष वल्लरियां लता पता ये कोई साधारण नहीं है। ये वृंदावन के वृक्ष वल्लरियां भी वो सब संत हैं जो आज भी कन्हैया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी वृक्ष वल्लरियां नत्र कहीं दर्शन नहीं होता, कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। आप जाकर देखो प्रत्येक वृक्ष में, प्रत्येक लता में श्री जी का नाम अंकित है। और फिर कहूं एक बार आओ तटिया स्थान और दर्शन करना। वृंदावन वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाली डाले और पात पात पे राधे राधे हो राधे राधे हो राधे राधे हो। वृंदावन मकरंद है भवन करे गुलजार दुल्हन प्यारी राधिका तो दुल्हानंद कुमार दुल्हानंद कुमार दुल्हानंद कुमार दुल्हन श्यामा जू प्यारी इस जोड़ी पे जाए रहो सब जग बलहारी जग बलहारी जग बलहारी जग बलहारी जग बलहारी श्याम है राजा श्यामा है रानी श्याम है राजा राधा है रानी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए भगतन की कहानी ओ आओ सुनाए भगतन की कहानी आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी श्री वृंदावन है रज रानी श्री वृंदावन है रज रानी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी आओ सुनाए संतन की कहानी आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी प्रेम से बोलो श्री राधे राधे द्वारन को छोड़ के सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार अहो भानु की लाडली देख मेरी ओर वृंदावन के संतों की उपासना ही भिन्न है। नित्य ही लीला रस में डूबे रहते हैं, मगन रहते हैं। शरीर शायद कहीं भी रहे लेकिन वृंदावन से प्रेम करने वाले प्रत्येक संत का हृदय वृंदावन में ही रहता है। श्री जी की कृपा कैसी कोई बात नहीं, उस बरसात में वो भी बरसात है, अंदर भी कृपा की बरसात ही हो रही है। क्या चारों तरफ कृपा बरस रही है, बस इसका अनुभव कर लो। हमारे वृंदावन के एक संत जिन्होंने नियम ले लिया आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी, जिन्होंने नियम ले लिया
कि श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों को श्री किशोरी जी को श्रवण कराएंगे जीवन भर, और जीवन पर्यंत श्री लाडली जी को भागवत जी के श्लोक सुनाते मन में बड़ा आनंद रहता और उनको अनुभव भी होता, कई बार आभास भी हुआ कि साक्षात राधा रानी बैठ के भागवत जी के श्लोक श्रवण करते। जीवन बीतता गया, वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, नेत्रों का प्रकाश, नेत्रों की ज्योति थोड़ी कम होती चली गई, फिर भी जब तक दिखता रहा श्री जी को भागवत जी के श्लोक सुनाते रहे। एक दिन ऐसा भी आया कि ज्योति पूरी तरह से समाप्त हो गई नेत्रों की, अब दिखना बंद हो गया। दिखना बंद हुआ और बाबा का रोना आरंभ हो गया। अविरल नेत्रों से अश्रुपात करते रहते, बाबा देखो तो सही, जीवन रहते रहते ये नेत्र मुझको धोखा दे गए। प्रण तो लिया था कि जब तक श्वास रहेंगे तब तक श्री जी को भागवत जी के श्लोक सुनाऊंगा, लेकिन नेत्रों ने बीच में ही धोखा दे दिया। मेरा नियम शिथिल हो गया, मेरा नियम टूट गया, कैसे भागवत के श्लोक सुनाऊं। कई दिन रोए, इतना रोए, इतना रोए कि अश्रु के साथ साथ रक्त भी आने लगा नेत्रों से, इतना रोए, इतना। और हमारी श्री जी सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन किसी वैष्णव के नेत्रों में, किसी संत के नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकती। लाल जी की ओर इशारा किया, संकेत किया, श्याम सुंदर गए हैं बाबा के पास। संध्या का समय, बाबा जय श्री राधे। बाबा भी बोले जय श्री राधे। कौन? बाबा मैं यहीं पास में रहता हूँ, आपको रोते हुए देखा तो मैं आपके पास आ गया। क्या कारण है, आप इतना रुदन क्यों कर रहे हैं? का बेटा क्या बताऊं, बस रोना इसी बात का है कि मेरा नियम टूट गया। मैंने नियम लिया था कि अपनी राधा रानी को नित्य भागवत जी के श्लोक श्रवण कराऊंगा, लेकिन जीवन है, लेकिन नेत्रों की ज्योति चली गई, मैं श्री जी को भागवत जी के श्लोक नहीं सुना पाता हूँ। बस इसी बात का कष्ट है, इसी बात का दुख है। बाबा मैं उपचार करना चाहता हूँ, मैं उपचार जानता हूँ नेत्रों का। उन संत ने समझा शायद किसी वैद्य का बालक होगा, थोड़ा बहुत उपचार करना जानता हो। बाबा ने सोचा यहाँ तो वृंदावन में जो कुछ होता है राधा रानी की इच्छा से ही होता है, क्या पता श्री जी ने ही भेजा हो किसी को। कहा अगर तूने मेरा उपचार कर दिया तो मेरे जीवन पे तेरा बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा, तू उपचार कर दे, मैं अपनी श्री जी को श्लोक सुनाना चाहता हूँ। कहा बाबा बस उपचार कुछ नहीं है, मैं एक पट्टी बांध देता हूँ आपकी आंखों पर, मैं एक पट्टी बांधता हूँ, रात भर आप श्री जी का ध्यान करना और सुबह ही नेत्र खोलने, सुबह ही पट्टी खोलनी है, अगर श्री जी ने चाहा तो नेत्रों में ज्योति आ जाए। बाबा नेत्रों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं, रात्रि को शयन कर गए, प्रातः काल हुआ और बाबा जैसे ही अपने आसन से उठे, बाबा को याद आया कि उस बालक ने कहा था कि सुबह पट्टी खोलनी है। बाबा ने पट्टी खोली तो धीरे धीरे प्रकाश दिखने लगा और कुछ क्षणों में दृष्टि वापिस आई और दर्शन होने लगा, सब कुछ दिखने लगा। श्री जी के चरणों की कृपा मनाई, श्री जी को बहुत 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 धन्यवाद किया, श्री जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम की। श्री जी आपकी कृपा से जाने कौन बालक आया था जो मेरे नेत्रों का उपचार कर गया। फिर बाबा के मन में एकाएक ये बात आई कि देखो तो सही, ऐसा उस पट्टी में क्या था, उस वस्त्र में क्या था जो रातों रात मेरी नेत्रों में ये प्रकाश आ गई, ये दिव्य दृष्टि आ गई। और बाबा ने जब अपने पास रखे हुए उस वस्त्र को देखा जो नेत्रों पर बंधा हुआ था, उस वस्त्र में कोई जादू टोना नहीं था, उस वस्त्र में कोई औषधि नहीं लगी हुई थी, उस वस्त्र में कोई चमत्कार नहीं था, उस वस्त्र में चारों तरफ श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा लिखा हुआ। ये नाम भगवान की कृपा है, अगर नाम भगवान की कृपा हो गई तो नामी की कृपा अपने आप हो जाती है, धाम की कृपा हो गई तो धामी की अपने आप कृपा हो जाती है। इसलिए हम निवेदन करेंगे कितना ही जीवन व्यस्त हो लेकिन नाम महाराज का आश्रय लेके रखना, हरि के नाम को हर पल गाते रहना, पुकारते रहना, श्री जी बहुत कृपा करती हैं। और हम तो सदैव कहते हैं तेरे जीवन के उजड़े गुलशन को वो खिला देंगी, बस तू राधे राधे बोल कर तो देख, तुझे बाकी भी हरि से मिला देंगी प्यारे। सुनाए तुम्हें ब्रज
की कहानी, आओ सुनाए तुम्हें भज की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी। शाम है राजा, शमा है रानी, शाम है राजा, राधा है रानी, आओ सुनाए तुम्हें भज की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी, आओ सुनाए तुम्हें भज की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी। श्री वृंदावन है रजधानी, श्री वृंदावन है रजधानी, आओ सुनाए तुम्हें भज की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी, आओ सुनाए तुम्हें भज की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी। भक्तों ने गाई संतन की कहानी, भक्तों ने गाई संतन की कहानी, आओ सुनाए तुम्हें भज की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी, आओ सुनाए तुम्हें भज की कहानी, आओ सुनाए संतन की कहानी। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, श्री श्यामा श्री श्यामा 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 श्री श्यामा, श्री श्यामा श्री श्यामा 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 श्री श्यामा। मेरी राधा रानी का नाम जो आया तुम्हारी जुबान से, मेरी राधा रानी का नाम निकला जो तुम्हारी जुबान से, तो देवता भी अमृत बरसाने लगे आसमान से। जय हो। मेरी राधा रानी का नाम निकला जो तुम्हारी जुबान से, तो लगता है कि देवता भी अमृत बरसाने लगे उस आसमान से। इसलिए डरना मत, बस कृपा की बरसात में भीगना और श्री जी के नाम को गाना दोनों भुजा उठा के। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, राधे श्री राधे 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 श्री राधे, राधे श्री राधे 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 श्री राधे, श्री श्यामा श्री श्यामा 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 श्री श्यामा, श्री श्यामा श्री श्यामा 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 श्री श्यामा, दोनों भुजा प्रसाद की बारी में। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, हो वृंदावन में राधे राधे, हो वृंदावन में राधे राधे, अभागे बिहारी राधे राधे, सबकी प्यारी राधे राधे, सतगुण की प्यारी राधे राधे, रसगुण की प्यारी राधे राधे, हो श्री वृंदावन राधे गोवर्धन में आनंद गाम में राधे राधे, ओ बरसाने में राधे राधे, ओ बरसाने में राधे राधे, ओ गली गली में राधे राधे, ओ नगर नगर में राधे राधे, ओ राधे 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 राधे
सभी बोलना, बोलो श्री हरिदास, श्री हरिदास। एक बार और बोलो श्री हरिदास, श्री हरिदास। एक बार और बोलो श्री हरिदास, श्री हरिदास।